यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। करनाल पहुंचे राज्य खनन मंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कष्ट निवारण बैठक की है। करनाल के पंचायत भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने लोगों की शिकायत सुनी। बैठक में तकरीबन 10 शिकायतें सामने आई, जिस पर मौके पर मंत्री जी ने 8 शिकायतों का निपटारा किया, जबकि 2 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया। मीडिया से बातचीत में मंत्री नायब सिंह सैनी अपनी ही पार्टी के भाजपा सांसद राजकुमार सैनी पर जमकर बरसे। नायब सैनी ने कहा कि राजकुमार सैनी की हालत शोले फिल्म के असरानी जैसी हो गई है। उनके पीछे भी पार्टी छोड़ने के बाद कोई नहीं रहेगा और सैनी को सब जगह पर अब हरा हरा दिख रहा है। तो राजकुमार सैनी पर बीजेपी का बयान आया है। सैनी ने राजकुमार पर चुटकी ली है और ये कहा है कि उनकी हालत जो है वो शोले के असरानी जैसी हो गई है। अगर पार्टी को छोड़ दिया जाए तो भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा बयान राजकुमार सैनी के ऊपर, तो सैनी ने राजकुमार सैनी पर चुटकी ली है। आज के ग्रीवेंसिस में 10 मद थे, जिसके अंदर से हमने 8 मदों का मौके पर ही निपटान कर दिया। 2 लंबित रखी गई हैं, उसमें एक में तो इंक्वायरी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को लेकर के वहां पर जो गांव वासियों के साथ एक धोखाधड़ी का मामला हुआ है, उस जांच को हमने पेंडिंग रखा है। और एक पानी का मामला था सिंगड़ा गांव से, उस सारे मामले को फॉलोअप करके उसका क्या समाधान निकले गांव के दोनों पक्षों के साथ मिल बैठ करके, उसके लिए अलग कमेटी बनाई।